गोरखपुर वासियों को जल्द ही एक और सौगात मिलने जा रही है। जल्द ही महानगर में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें भी फर्राटा भरने लगेंगी। इसे लेकर चार्जिंग पैनल का ट्रायल भी कर लिया गया है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक बसों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 5 अक्टूबर को लखनऊ से ही हरी झंडी दिखाया जा चुका है। 28 अक्टूबर को 15 इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर पहुंच चुकी हैं। इन बसों को महसरा स्थित बस स्टेशन में खड़ा कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था PMI ने चार्जिंग पैनल का ट्रायल पूरा कर इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज कर लिया है। जल्द ही इन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इससे यहां के लोग कम किराए पर हाईटेक AC बस में सफर कर सकेंगे। सभी बसों के चालक और परिचालक की नियुक्ति कर दी गई है। चालकों ने बताया है कि बस चलाने के लिए तैयार हैं और परमिशन मिलते ही बसें सड़क पर चलने लगेंगी। बसों में यात्रियों के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए इलेक्ट्रिक बसों के सप्लायर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राम सिंह ने कहा, बताइए क्या सुविधा है इस बस में, कितने सीटर है, कितने लोग बैठ सकते हैं? ये 29 सीट है जिसमें 26 सीट वैसे है, 2 विकलांग के लिए है, 1 ड्राइवर सीट है और फुल AC गाड़ी है। और अच्छी तकनीक से बना हुआ है। तो इसमें जो लोग बैठेंगे, हाँ, सारे कैमरे लेस हैं, उनको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। इस सड़क से जो सड़क है नीचे, उससे कितना ऊपर पे पर लोग चढ़ेंगे, कितना गैप है उसके बीच में? उसके 1.5 फुट के गैप में है। 1.5 फुट चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें? स्टेयरिंग है और वो लेकर के जो है सुरक्षा, जो सड़क पे चलने के लिए सब पावर प्ले है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो किस से चलेगी ये? इलेक्ट्रिक बस, चार्जर बस है, चार्जिंग से चलेगी। चार्जिंग से कितना देर चार्ज करना पड़ेगा इसको? इसको एक बार 45 मिनट चार्ज किया जाएगा, 100 किलोमीटर चल सकती है। 120 का रखा गया है जिसमें 100 को चलाना है, इसको 20 किलोमीटर एडवांस इसको रखना है ताकि गाड़ी फिर कहीं दिक्कत नहीं वापस चले। तो जैसे लोड जो बढ़ेगा, इतना सीटर है, बहुत लोग खड़े भी हो जाते हैं, तो लोड बढ़ेगा तो कुछ चार्जिंग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सिस्टम उसी के है, 100 किलोमीटर उसको लोड होने पे भी वापस आएगा। तो कितनी बसें अभी आई हैं यहाँ पे? इस समय 15 बसें आई हैं, 200 होने वाली, 25 बसें। सीट में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज का अलग है? हाँ, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, विकलांग का अलग है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मौर्य। आप लोग सब लोग गाड़ी चलाएंगे? जी। तो कोई दिक्कत यहाँ पे अभी? कोई दिक्कत नहीं। कब से बताया गया आप लोगों को? अभी 10 तारीख को। 10 तारीख को तो सब आप लोगों का रेडी हो गया है? जी, ड्राइवर लाइसेंस बन गया सब? जी, रेडी है सर। यूनिफॉर्म वगैरह मिल गया? यूनिफॉर्म में चलेंगे आप लोग? जी, बिना यूनिफॉर्म का नहीं चलेंगे। हाँ, इसमें कंडक्टर भी अलग होंगे? यूनिफॉर्म मिल गया है, ट्रेनिंग। तो वो लोग भी कोई है इसमें? कंडक्टर का ग्रुप है। अच्छा, ट्रेनिंग चल रहा है उन। चलिए, तो आप लोग यही गए लोकल कि कुछ बाहर से? लोकल भी हैं, कुछ दूर के भी हैं सर, कुछ दूर के सर। मिक्स है। तो रूट तो मत पता होगा आप लोगों को? जी, रूट है वो कंफर्म नहीं हुआ, लिस्ट नहीं मिला है, लिस्ट नहीं मिला अभी रूट का। जैसे यहाँ लोकल है तो सब रास्ते मालूम है, कोई दिक्कत होना नहीं है। बताया नहीं गया कि किस रूट पे कितना चलेंगे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, कितनी बसें चलेंगी हम बात कर रहे हैं। रूट तो आप लोगों को पता होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं चलने में? नहीं, 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 सब पता है, क्योंकि पहले से चले हैं आप लोग। गोरखपुर का हर रोड पता है। क्या नाम आपका? योगेंद्र। अच्छा, बस आया गोरखपुर में,
तो कितने सीट है इसमें अभी? 28 सीट वो है, एक सीट ड्राइवर की है। अच्छा, 29 सीट है। महिलाओं के लिए कुछ अलग है, विकलांगों के लिए? विकलांगों के लिए अलग है। राम सिंह, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ PMI से, बस कंपनी की, बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। बस से आई है गोरखपुर, तो चार्जिंग से चलना है बैटरी से? करेक्ट। कितना देर में चार्जिंग होंगी बैटरी, कितनी बसें आई हैं? इसमें हमारी अभी टोटल 15 बसें आई हैं, 10 और आना बाकी, और इसकी चार्जिंग जो है फुल चार्जिंग हमारी 15 मिनट में हो जाती है। तो 15 मिनट में 0 से 100% फुल चार्ज हो जाएगी बस। 2 गन स्लॉट हैं, हर चार्जर में 2 गन लगे हुए हैं, ईच गन की लेंथ जो है 8 मीटर है। तो आप एट ए टाइम एक चार्जर से 2 बसें चार्ज कर सकते हैं, एट ए टाइम एक चार्जर से एक बस भी चार्ज कर सकते हैं। अगर एक बस चार्ज करेंगे तो 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी, अगर 2 बसें चार्ज करेंगे तो 1.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी। तो एक पर चार्ज करेंगे कितना किलोमीटर चलेगा? 120 से 130 किलोमीटर चल जाएगी हमारी बस। लोड बढ़ेगा तो? नहीं, लोड लेके है। हाँ, लोड लेके सारे ट्रायल टेस्ट करने के बाद 120 किलोमीटर रोड पे चल जाएगी। चार्जिंग के लिए ड्राइवर को चार्ज करेंगे कि अलग से उसमें? नहीं, हमारे लिए टेक्नीशियंस भी है और ड्राइवर को भी टीम दी गई है, इतना कोई मेजर वो नहीं है। 3-4 क्लिक पे बस चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी रखे होंगे किलोमीटर चार्जिंग? हाँ, नहीं, एक्स्ट्रा ऐसा होता है जैसे कि हमारा 120 पे कट ऑफ है, 120 तक हमारी चलती है, तो हम 100 किलोमीटर ही तक चलाते हैं, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा सरप्लस रखते हैं आवश्यकता पड़ने तो। हाँ, कितने लोगों का भी ट्रेंड किए हैं यार? अभी हमारे पास 32 ड्राइवर हैं, टोटल 32 ड्राइवर हैं। तो ट्रेनिंग पे अगर शिफ्ट पे चलना है तो उस हिसाब से चलेंगे। 15 बसें हैं, 10 और आनी है, बस शिफ्ट में चलाना है, 8 घंटे की किसी की शिफ्ट है, किसी की 10 घंटे की, तो उस हिसाब से।